डियाल वेलकम है दिस वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ ऑन्टरप्रन्योरशिप इन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जिसका ताल्लुक जिसका लेंक शैम पीटर ने जोड़ा था दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है और फिर हम बात करेंगे कि ऑन्टरप्रन्यरशिप जिस पर हम इतना जोर दे रहे हैं इसका और इकोनॉमिक डिवेलपमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमी की डेफिनेशन इकोनॉमी की डेफिनेशन है

हम कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न्स को स्टडी करते हैं फर्म्स को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए किस कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना चाहिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे अचीव होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स किस तरह से अचीव होते हैं और यही तमाम चीज़ें एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती हैं इसीलिए ऑन्टरप्रनरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं अगर हम देखना चाहें इकोनॉमीज़ को डिवाइड करना चाहें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जेम भी इसको फॉलो करता है uh, उन्होंने इकोनॉमी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है नंबर वन फैक्टर ड्रिवन, नंबर टू एफिशिएंसी ड्रिवन एंड नंबर थ्री इनोवेशन ड्रिवन। अब देख लेते हैं बाय डेफिनेशन के हमारे पास फैक्टर ड्रिवन एफिशिएंसी ड्रिवन और इनोवेशन ड्रिवन इकॉनमीज कौन सी होती हैं डेफिनेशन

तो उन इकोनॉमीज़ को हम फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमीज़ का नाम देते हैं पाकिस्तान फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी की डेफिनेशन यह है कि इकोनॉमी इन एफिशिएंसी ड्रिवन फेज बिकम मोर कंपैरेटिव विद मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्ट क्वालिटी यानी वो इकोनॉमीज जहां पर इनोवेशन आ जाती है बट उसका फिलहाल उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है लेकिन उनके प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर हो जाते हैं उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज बेहतर हो जाती हैं तो हम उनको एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमीज़ का नाम देते हैं काफ़ी हद तक इंडिया एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमीज़ में आ चुका है अब आ जाते हैं इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज़ में बाय डेफिनेशन इकोनॉमी इन इनोवेशन ड्रिवन फेज बिजनेसेस आर मोर नॉलेज इंटेंसिव एंड सर्विस सेक्टर एक्सपेंडेड यानी इन अदर वर्ल्ड वो तमाम की तमाम इकॉनमीज़ जहाँ पर टेक्नोलॉजी और नॉलेज बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है और जब नॉलेज की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम उन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जिनकी लेबर नॉलेजबल लेबर है ठीक है स्किल्ड लेबर है नॉलेज वर्कर्स हैं उन इकोनॉमीज़ को हम इनोवेशन ड्रिवन इकॉनमीज़ का दर्जा देते हैं मिसाल के तौर पे अमेरिका मिसाल के तौर पर यूके मिसाल के तौर पे कनाडा और यूरोप के भी बहुत से कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग जापान फ्रॉम एशिया ये तमाम की तमाम इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज हैं अब ऑनटरप्रनोरशिप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कि आप किस इकोनॉमिक फेज में से गुजर रहे हैं आप फैक्टर ड्रिवन में से हैं एफिशंसी ड्रिवन में से हैं या इनोवेशन ड्रिवन में से हैं और किस तरह ऑनटरप्रनीरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिंक करते हैं इस पूरे फेज़ के अंदर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बार बार सिंस फ्रॉम आर इंसेप्शन हम बात कर रहे हैं कि ऑन्टरप्रनीरशिप और इनोवेशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है सो so, याद रखिए कोई भी इकोनमी जिसको अगर फैक्टर ड्रिवन से एफिशिएंसी और एफिशिएंसी ड्रिवन से इनोवेशन ड्रिवन फ़ेज में आना है तो उसको ऑन्टप्रनीोरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा बिकॉज ऑनटरप्रनोरशिप uh, या स्मॉल वेंचर्स दे आर दी हब्स ऑफ इनोवेशन उसकी वजह ये है कि uh, यही वो स्मॉल फर्म्स होते हैं यही वो एंटरप्राइजिंग माइंड होते हैं जो अवेलेबल रिसोर्स को एक नए जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन के साथ लेकर आते हैं और एक ऐसी चीज़ एक पर, हमारी प्रॉब्लम का कोई ऐसा सोलूशन लेकर आएंगे जो पहले से हमारे जहन में नहीं होता दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जॉब क्रिएशन जितने ज़्यादा नए वेंचर्स क्रिएट होंगे इसका मतलब है उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे सो so, किसी भी इकॉनमी के अंदर हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है बाहर के मुल्कों में जाएँ तो बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पर ऑन्टरप्रनोरियल स्पीड और इंटेंसिटी ज़्यादा है ज़्यादा वेंचर्स क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं हमारे यहाँ चूँकि हम अभी तक प्रोडक्शन ड्रिवन हैं इसलिए हमारे पास नए वेंचर्स भी कम क्रिएट हो रहे हैं और हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम क्रिएट होती हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स ही नेशनल इनकम को क्रिएट करते हैं दे आर द वेल्थ क्रिएटर्स आप अक्सर लिस्ट देखते हैं मुख्तफ मैगजीन्स में कि ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सनज हैं Uh, या ये सबसे बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशन हैं और वो यूजुअली वो यूएसए कनाडा और यूके बेस्ड होती हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ कि ऑनटरप्रोर्स ही बेसिकली वेल्थ क्रिएट करते हैं जॉब क्रिएट करते हैं जितनी बड़ी इकोनमी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके पास नया वेंचर क्रिएट करने का और उसको इतना ग्रो करने का कि आपका नाम भी रिचेस्ट पर्सनस में आ जाए नंबर फोर जो शैम पीटर ने कहा था ऑनटरप्रोर्स आर चेंज एजेंट यानी सोशल चेंज जितना भी आएगा वो यही ऑनटरप्रोर्स लेकर आएंगे सोशल चेंज क्या है सोशल इनोवेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल आपको हमने एग्जाम्पल दी थी डॉक्टर अमजद साकिब की उन्होंने जो अखूत क्रिएट की एक वेंचर इट्स अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लेकिन जिस तरह से वो काम करता है और सूद कर्जे देने के बावजूद सेल्फ सफिशंट इदारा है सो so, ना सिर्फ वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि ख़ुद भी एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और उनका बिजनेस मॉडल बहुत सी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है कि किस तरह एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता उसके बावजूद वो एक सेल्फ़ सफिशेंट इदारा है ये सोशल चेंज ये सोशल इनोवेशन ये सोशल वैल्यू यही ऑनटरप्रीनियोर्स क्रिएट करते हैं ये ऑन्टरप्रीनोरशिप का प्रोसेस ही होता है साइज ऑफ़ दी इकोनॉमी, जितनी ज़्यादा फॉर्म्स क्रिएट होंगी जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी उतनी ही आपका जो इकोनॉमी का साइज़ है वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वेल्थ क्रिएट हो रही है, प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रही हैं नई मार्केट्स क्रिएट हो रही हैं इनोवेशन हो रही है इसी साइज ऑफ़ मार्केट और ऑन्टप्रनोरशिप का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है उसके अलावा कॉमर्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसकी एग्जाम्पल सी पैक के भी है पाकिस्तान और चाइना इंटीग्रेट कर रहे हैं और इस इंटीग्रेशन से बहुत नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी नए वेंचर्स क्रिएट होंगे रीजनल डेवलपमेंट होगी यानी एक मुल्क के नहीं पूरे रीजन की डेवलपमेंट होगी और वो भी सारा प्रोसेस ऑन्टरप्रनोरशिप के एरिया में ही आता है उसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो भी इस ऑन्टपनोरशिप के प्रोसेस में ही एड्रेस होते हैं आपने देखा होगा ए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन लॉन्च करते रहते हैं जिसमें वो अपने जिस इन्वायरमेंटल इश्यूज को लिख देते हैं और फिर लिखते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन लेकर कर और वो सोल्यूशन इनोवेटिव होना चाहिए ये ऑनटरपन ही करते हैं उसके अलावा जितने भी ऑन्टपन हैं वो अगर आप देखें एट द टाइम चाहे वो बिलगेट हो चाहे वो ड्रैक मॉ हो बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं लेटर ऑन एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए रिसर्च के लिए सो so ये ऑन्टनोर्स ना सिर्फ अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं या इकोनॉमी के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं बल्कि ये बहुत खुले दिल के साथ एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं यानी ये डोनर्स बन जाते हैं सो इन एंड हम ये कह सकते हैं कि ऑनटरप्रनोर्स आर द पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इनके बेसिस पे चलती है ये गवर्नमेंट के साथ चलते हैं uh, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था माइकल पॉटर का उन्होंने अपनी किताब द कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि ऑन्टप्रन्योरशिप इज एट दार्ट ऑफ नेशनल एडवांटेज यानी किसी मुल्क का भी कंपेरेटिव एडवांटेज अगर आपने देखना हो तो वो ऑन्टप्र्योरशिप होता है सो वॉट इज द पर्पज द परपज इज ऑनटरप्रन्योरशिप को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग नहीं कर सकते जितनी ज्यादा इंटेंसिटी uh, के साथ हमारे यहाँ ऑनटरप्रनोरियल जर्नी तय किया जाएगा उतनी ही इंटेंसिटी के साथ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ भी नज़र आएगी दैट्स ऑल फॉर टूडे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो